दोस्तों मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिएगा। प्लीज़ वीडियो को जस्ट एक बार सुने और जस्ट शेयर करें। मुझे ना लाइक चाहिए ना कमेंट चाहिए, मुझे जस्ट शेयर चाहिए। इस वीडियो जितने ज़्यादा शेयर हो सके शेयर करें, लोगों को जागरूक करें। और ICI वालों से भी कुछ हेल्प होने की प्लीज़ मदद करें, क्योंकि मैं एक साथ इतना पैसा नहीं पे कर सकता। मैंने वूफर लिए थे क्योंकि मुझे ज़रूरत थी, मेरे पास पैसे हैं, लेकिन मैं एक्स्ट्रा क्यों पे करूं? मैं बहुत परेशानी में हूं प्लीज़। मैं बहुत टाइम से इनके पीछे पड़ा हुआ हूं, लेकिन कोई हेल्प नहीं कर रहे ICI वाले। मैं आपको बताता हूं कहानी कहां से शुरू हुई। मैंने वूफर ख़रीदे पहले तो फ्लिपकार्ट से, ICI के क्रेडिट कार्ड से, लेकिन उसकी डेट बहुत ज़्यादा थी घर पहुँचने की, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिए और मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया दोबारा। आपको सारी डिटेल्स स्क्रीन पर दिख रही होंगी। जो मैंने फ्लिपकार्ट से कैंसिल किए थे उनके पैसे तो वापस आ गए क्योंकि वो मैंने कैंसिल कर दिए थे, लेकिन जो अमेजोन के थे वो EMI में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, यहाँ तक सब सही था, लेकिन एक महीने बाद हमारे पास जो डिटेल निकल के आती है उसमें बैलेंस जो था वो हमें दोनों का पे करने को दिखा रहा था, या फिर बैलेंस थोड़ा ऊपर नीचे था। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये कैसे हुआ। आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट। तो मैंने उनको कॉल की तो उन्होंने कहा कि आपका ऐसे ऐसे बैलेंस वापस आ गया है कि आपको फोरक्लोज़ करना है। आपको एक बात बता देता हूँ, फोरक्लोज सिर्फ उसी का करवाइएगा जिसका कैंसिल हो चुका है, उसका नहीं जिसका आपने EMI भरना है। मैंने भी ऐसा कहा कि हाँ फोरक्लोज़ करना है, बट उन्होंने कहा कि आपको दोनों का करना है, तो आवाज़ क्लियर नहीं आई और मुझे समझ में नहीं आया कि फोरक्लोज़ होता क्या है। मैंने कहा हाँ हमें फोरक्लोज़ करवाना है, लेकिन उस टाइम सुनाई नहीं दी अच्छे से कि वो दोनों का करने को बोल रहे हैं, तो मैंने हाँ कर दिया। उन्होंने फोरक्लोज़ रिक्वेस्ट डाल दी। फोरक्लोज़ ऐसा होता है कि सारा बैलेंस एक साथ पे करने को आ जाता है ऑप्शन, और उन्होंने कहा कि 21 तारीख को आपका अपडेट हो जाएगा और उसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो आपको पे करना है। मैंने कहा ठीक है, शायद उसका ही फोरक्लोज होना होगा जो हमने कैंसिल किया है, तो मैंने ओके कर दिया। 21 तारीख बाद जब देखता हूँ तो आप देख सकते हैं सारी डिटेल स्क्रीन पर हैं, सब बैलेंस ऊपर नीचे था, और मैंने 4,999 रुपीज़ के प्रोडक्ट खरीदा था, वूफर खरीदे थे, और मुझे पे करने को आ रहा था 4,800। आप देख सकते हो उसमें से मैंने 1 EMI पे भी कर रखी थी, मतलब हमें जो भी पे करना बाकी बचता था वो था 4,293, क्योंकि मैंने 878 की 1 EMI भी पे कर रखी थी, लेकिन फिर भी हमें 4,800 एक साथ पे करने को आ गया, और उनका प्रेशर बनाया गया कि आपको एक साथ पे करना ही पड़ेगा नहीं तो आपका ही नुकसान होगा। मैंने बहुत कोशिश की उनको उस चीज़ को सही करने की, लेकिन उन्होंने अभी तक उस चीज़ को सही नहीं किया है। आज आपकी तारीख देख सकते हो आज की, कि आज किस तारीख को मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत मजबूरी हो गई है। वो मेरी किसी भी तरीके से हेल्प नहीं कर रहे, हर दिन नई कहानी बना के कुछ ना कुछ करके डेट को आगे किए जा रहे हैं। बाकी मैं सारी डिटेल्स आपके सामने दे दिया हूँ, अगर आपको फिर भी कुछ जानकारी चाहिए तो आपको आगे ऑडियो में मिल जाएगी। अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो, अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको उसका एक एक प्रूफ दूंगा। ट्विटर पर आ जाइएगा, ट्विटर पर आपको एक एक प्रूफ मिलेगा हर एक चीज़ का। मेरे पास पुरानी रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन हाँ लेटेस्ट रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर रहा हूँ, जिसमें इन्होंने खुद खुद कबूल किया है कि हाँ इनकी तरफ से गलती थी, क्योंकि थी, इन्होंने खुद चेक भी करवाया, माना भी कि इनकी गलती है, लेकिन फिर भी कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, और दोबारा से गलती करके मेरे पे ही उल्टा हर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। प्लीज़ हेल्प मी, जस्ट शेयर, प्लीज़ प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। ऑडियो शेयर कर रहा हूँ और एक प्ले लिस्ट बनाऊँगा ICI फ्रॉड के नाम से। अब उस प्ले लिस्ट में जाके सारी की सारी रिकॉर्डिंग सुनेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन गलत है कौन सही है। एवरीडे मैं 3 वीडियो डालूंगा इसकी, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो, क्योंकि मैं जानता हूँ टाइम की कीमत क्या होती है। प्लीज़ उन वीडियो को जस्ट सुनिएगा और शेयर कीजिएगा जितना ज़्यादा हो सके, और हाँ जागरूक रहिएगा क्योंकि ये फ्रॉड आपके साथ भी हो सकता है। और अभी का अमाउंट भी आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में कि क्या है। तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर मांगता हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शेयर कीजिएगा मेरी हर एक ऑडियो को प्लीज़। बहुत बड़ा फ्रॉड है मेरे साथ ये ICI क्रेडिट कार्ड वालों का, प्लीज़ हेल्प मी, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ। मुझे लाइक और कमेंट नहीं चाहिए, जस्ट शेयर करना है आपको प्लीज़। और अभी ऑडियो सुनिए। हाँ जी सर, तो अभी ये कार नंबर एंडिंग 9007 राइट सर? यस सर, 9007। तो अभी कब कॉल किया सर आपने, ये फोकस करने के लिए कुछ कॉल किया है? नहीं सर, हमारे एक्चुअली में सर यहाँ पे बैलेंस अच्छे तरीके से शो नहीं करता था, कभी कुछ तो कभी कुछ, तो हमने बात करी तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे आपके अकाउंट के बैलेंस जो है वो प्लस हो जाएगा,
और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको अकाउंट क्लोज करना है, तो हमें लगा कि जो हमारा रिफंड आया है उसकी बात हो रही है, तो हमने कहा उसका अगर क्लोज करना है तो हाँ क्लोज कर दीजिए, तो उन्होंने दोनों कर दिए थे क्लोज। और जब हमें बाद में पता चला तो सर हम तो शॉक हो गए, क्योंकि सर हम तो भर ही नहीं सकते एक साथ इतने पैसे, दोस्तों इसलिए हमने फिर कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। अभी दोनों क्लोज हुआ है, 30 नवंबर को क्लोज हुआ है सर। उसके बाद आप चेक में किया था सर स्टेटमेंट? सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैं बोल रहा हूँ ये नवंबर 30 को क्लोज हुआ है, उसके बाद आप चेक में किया था? मैं पूछता हूँ सर उसके बाद हम चेक किए थे, हमें बताया, हाँ सर हमें बताया था कि 21 को कुछ आपका कुछ होगा, 21 दिसंबर को शायद उन्होंने कहा था कि तब आपकी जो है वहाँ पे चेंज होगा बैलेंस। हमें नहीं पता था कि कहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा कुछ माइनस में बैलेंस था उन्होंने कहा था कि आपको अभी नहीं भरने हैं, जो माइनस में बैलेंस है वो आपके प्लस हो जाएगा उधर, फिर उसके बाद आपको भरने हैं। तो हम 21 तारीख का चेंज इंतजार कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि तब आपका सब कुछ चेंज होगा, तो हमें नहीं पता था कि इतना बैलेंस एक साथ आ जाएगा। जब हमने 21 तारीख को देखा तो हम शॉक हो गए, सर। उसके बाद पहले तो हमें पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है अकाउंट में। जी कंप्लेंट रजिस्टर करते 2 मिनट। सर कंप्लेंट ऑलरेडी रजिस्टर है ना, हमें बताया गया था कि सामने से कॉल आई और वो पूछ रहे हैं कि आपको ईएमआई दोबारा से करवाना तो है कि आपको नहीं क्या करवाना। बताइए सर उसमें? सर जिस नंबर पे हमें कॉल आई थी वो हमारा रजिस्टर्ड नंबर है और उस पे यहाँ पे नेटवर्क नहीं होता है, तो उस पे कॉल कट हो गई थी, फिर हमने अपना अल्टरनेटिव नंबर दिया था, इस पे कॉल बैक ही नहीं आ रही सर, और ऊपर से 9 तारीख का भी पास में आने वाली है, सर अभी मतलब तो ये छोटा अमाउंट ही है ना सर, 4,825, कितना सर 4,825 ये आपका आउटस्टैंडिंग है। वही सर ना, हम एक साथ नहीं भर सकते ना सर, प्रॉब्लम तो वो है ना सर, हमें ईएमआई तो में भरना है। ऑटोमेटिक नहीं, नहीं सर अभी एक बार क्लोज करने के बाद कन्वर्ट नहीं कर सकते सर, सर हमने नहीं ऐसे करवाया ना फोर ऑटोमेटिक क्लोज, तो आपका रिफंड आया है ना सर। तो सर रिफंड हमारा दूसरे का आया है ना, ये जो एक तो हमने प्रोडक्ट ले रखा है ना सर, उसका हमने थोड़ा ना कहा था, हमने कहा था कि हाँ उसका हम भरेंगे, इसलिए तो हमने सर कंप्लेंट करवाई है सारी जानकारी देके। और जो हमें बताया गया कि आपकी कंप्लेंट के ऊपर जो हमारी कस्टमर केयर से बात हुई, उन्होंने कहा कि कंप्लेंट के ऊपर आपका रिप्लाई आया है कि आप क्या करवाना चाहते हैं, ठीक क्या आप ईएमआई में करवाना चाहते हैं, उन्होंने तो हमें ये है बताया सर, सर लाइन पे रहिए, मैं उनसे कॉल बैक अरेंज करता हूँ, कंप्लेंट रेज करता हूँ 1 मिनट। प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए, 9 तारीख अगर आ गई तो सर हम पे नहीं कर पाएंगे और हमारा क्रेडिट स्कोर लो हो जाएगा आईसीआई के कारण सर, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई गलती नहीं है, हमें एक नॉर्मल पर्सन है सर, हमें नहीं पता फोर क्लोज क्या होता है क्या नहीं होता है, उसकी जानकारी सर हमें नहीं होती है। नहीं नहीं सर आपकी आवाज ठीक सर तरह से आ रही थी उस टाइम पे जब हमारी बात हुई थी। कंप्लेंट रेज किया, कंप्लेंट नंबर नोट करिए, सर सर अभी कंप्लेंट सर अभी फिर से कंप्लेंट रेज किया है, बट हमारी कंप्लेंट के ऊपर तो ऑलरेडी कंप्लेंट रेज नहीं किया सर, आपको वो ही कंप्लेंट रीओपन किया, ठीक है, अच्छा कंसर्न सर मैनेजर आपको फिर से कॉल करेंगे। ओके सर, बट हमारा यहाँ पे अल्टरनेटिव नंबर डालिए क्योंकि उस पर बात नहीं हो पाती है, फिर वही कंफ्यूजन रह जाएगा, और डेट भी सर नियर बाई आने वाली है, 9 तारीख को जस्ट 5 डेज लेफ्ट है। जस्ट अ मोमेंट जी सर, 8-1 देखला, ठीक है सर, मेंशन किया आपको फोटो का डेटा उस करिए। ओके सर सर, बट सर अगर उन्होंने ऐसा लिखा है तो क्या आप जब चेंज नहीं कर सकते हैं? चेंज नहीं कर सकते सर अभी, आप नहीं कर सकते? नहीं सर। ओके सर, तो हमें उनकी कॉल का इंतजार करना पड़ेगा सर, बट उनसे कहिएगा प्लीज इस नंबर पे कॉल आए, क्योंकि सर उस नंबर पे बात नहीं होती है और कभी भी कट हो जाता है कॉल। ओके सर, इस नंबर पे आ जाएगी ना सर कॉल? ये नंबर पे आएगा। ओके सर, 24 से 48 आवर्स के अंदर ना? श्योर। ओके सर, धन्यवाद सर। ओके सर, थैंक हेलो यू फॉर कॉलिंग, आई विश यू ग्रेट। जी सर, धन्यवाद।